हेलो स्टूडेंट्स एडमन गुरु की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है और बताइए आप लोग सभी ठीक हैं आतिफ सभी अच्छे हैं पढ़ाई ठीक चल रही बेटा बच्चों पिछली क्लास में मैंने विशेष रूप से आप लोगों को भारत में खनिज के वितरण उनकी उपस्थिति आदि की चर्चा की थी इस क्रम में संजय बताएगा कि भारत में कहाँ कहाँ खनिजों के क्षेत्र हैं क्यों संजय बताओ भाई राजस्थान सर नहीं भाई थोड़ा कुछ और सोचो चलो कोई बात नहीं पर बेटा याद रखा करो ठीक है जैसा मैंने बताया था कि यदि खनिजों की बात की जाए तो दुनिया में जितने भी विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं जिनमें से लगभग एक सौ सत्रह अठारह तत्वों की खोज हो चुकी है उनमें से लगभग हंड्रेड प्रकार के तत्व तो भारत में पाए जाते बताया था ना और दुनिया में जितने प्रकार के खनिज मिलते हैं थोड़ी अधिकांश मात्रा में सबकी उपस्थिति भारत के चट्टानों में पाई जाती है। बड़ी सबसे बड़ी खूबसूरती है और इस क्रम में आपने यह भी देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं और ये जो खनिज हैं भारत में समान रूप से वितरित नहीं है। इस क्रम में बहुत सारी बातें हुई कि खनिज भी दो प्रकार के होते धात्विक खनिज अधात्विक खनिज धात्विक खनिज भी फिर दो प्रकार के हो जाते हैं जैसे लौह युक्त धात्विक खनिज अलौह धात्विक खनिज कुछ बातें ऐसी थी फिर इनके वितरण की जब बातें होती हैं तो भारत में कुछ विशिष्ट क्षेत्र मिलते क्योंकि आप लोगों को मैंने चट्टानों के वितरण के क्रम में जब शुरू शुरू में मैंने क्लास ली थी तो भारत में चट्टानों के बारे में बताया था कि भारत में विभिन्न प्रकार की चट्टाने विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं भारत में जहां पर प्राचीनतम चट्टाने भी मिलती हैं तो वहीं पर न्यूनतम चट्टाने भी मिलती जब प्राचीनतम चट्टाने आग्ने चट्टाने होंगी तो सी बात है कि भारत में खनिज प्रकार विशेष रूप से धात्विक होंगे भारत के प्रादीपी भाग में विशेष रूप से प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टाने जैसे धारवाड़ आर्कियन उसी में आप लोगों ने पुराण क्रम की चट्टानों में विशेष रूप से कुडप्पा विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति देखी थी तो ऐसे में आप को मैंने बताया था कि विशेष रूप से धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं और उसी क्रम में छोटा नागपुर के पठार की कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों की चर्चा हुई थी सब याद है ना तो संजय याद रखा करो बेटा तो चट्टानों के वितरण के बाद अब जरा चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं उनकी उपस्थिति देखते हैं कहां, कहां पाई जाती है इन सब पर चर्चा करते हैं और ये सभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि खनिज दो प्रकार के होते धात्विक अधात्विक और धात्विक में भी दो प्रकार के हो जाते हैं, अलोह और लोहयुक्त चलिए चर्चा हम लोग लोहयुक्त से ही करते हैं। और ये चर्चा मैं यहीं से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि लोहयुक्त जो खनिज होते हैं ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आधार होते आधार स्तंभ होते हैं लोहयुक्त खनिजों में विशेष रूप से लोह अयस्क मैंगनीज क्रोमाइट ये विशेष रूप से शामिल किए गए अब लोहा कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में तो कुछ बताना कुछ उसी तरह की बात हो गई कि सूरज को दिया दिखाना आप लोग लोहे के महत्व को इससे समझ सकते हो कि लोह अयस्क आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का प्रतीक है अर्थात जिस देश में जितना ज्यादा लोह इस्पात उत्पादन होता है उसका उपभोग होता है वह देश उतना ही विकसित माना जाता है ध्यान रखना तो यानी कि लोह इस्पात बनेगा कैसे लोह अयस्क होगा इसीलिए एक बड़ी खास बात देखोगे आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में देखना बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विशेष रूप से भारत की खानों से प्रश्न समय समय पर आते रहे हैं कि ये वाली खनिज ये वाली जो खान है कहां मिलती है कई बार पूछा जाता है चलिए तो हम लोग भारत चर्चा करते भारत में लोह अयस्क आप लोगों को तो पता ही है कि लोह अयस्क विशेषताओं के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिंडेराइट लिमोनाइट ये चार प्रकार इनका देखा जाता है जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात समझ में आती है कि भारत में उत्तम किस्म के लो अयस्क जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट विशेष रूप से पाए जाते हैं जिसमें लोहानस की मात्रा बहुत अधिक होती है यह बड़ी अच्छी बात है भाई भारत में जब हेमेटाइट की बात करते हैं तो भारत में हेमेटाइट की लगभग एक हजार बाईस करोड़ टन भंडार पाया जाता है सोचो और उससे भी बड़ी खास बात जब मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट लगभग दस हजार छह सौ बाईस करोड़ टन भंडार भारत में अनुमानित है यानी कि भारत में बड़ी मात्रा में लोएस्क पाया जाता है एक बात इसमें और जोड़ दूं बेटा कि ये डाटा में थोड़ा बहुत हो सकता अंतर कहीं ना कहीं आए तो उससे परेशान मत होना ये समझाने के लिए मैंने बताया तो भारत में बड़ी मात्रा में लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं और इसीलिए भारत दुनिया का लोह अयस्क का एक बड़ा उत्पादक देश भी है और लोह अयस्क जब होंगे तो लोह इस्पात बनेंगे तो भारत दुनिया का एक बड़ा लोह इस्पात का उत्पादक देश भी है ये दोनों बातें ध्यान रखना अब हम लोग विशेष रूप से वितरण की बात करते हैं। तो जब लो अयस्क वितरण की बात की जाती है तो भारत में समान रूप से इसका वितरण सभी राज्यों में नहीं पाया जाता ध्यान रखना आप लोग इसका वितरण कुछ राज्यों में विशेष रूप से देखा जाता है और जब इस क्रम में बात होती है तो सबसे पहला नाम नो no डाउट कर्नाटक का आता है कर्नाटक पठार का जो क्षेत्र है वह लोह अयस्क के उत्पादन के लिए दुनिया में प्रसिद्ध और भारत में तो खैर है ही और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि प्राचीनतम चट्टानों का क्षेत्र है प्रायदीपी पठार तो यहाँ पर उत्तम किस्म के विशेष रूप से लौह अयस्क मिलते कर्नाटक में जब अयस्क की बात होती है तो देश का लगभग 25 प्रतिशत लोह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक राज्य अकेले करता है कर्नाटक का बिल्लारी जिला आप लोगों ने विशेष रूप से सुना होगा बिल्लारी के साथ साथ शिमोगा धारवाड़ ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी मात्रा में उत्तम किस्म के लोह अयस्क पाए जाते इसके साथ साथ कर्नाटक के जब पश्चिमी भाग में आप जाएंगे तो बाबा बुदान की पहाड़ियां कुद्रेमुख, इन सब से बड़ी मात्रा में लोह अयस्क का उत्पादन होता है यहां से उत्पादित लोहा बड़ी मात्रा में या तो विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है या फिर वहीं पर आप लोगों ने जरूर विजयनगर स्टील प्लांट भद्रावती स्टील प्लांट का नाम सुना होगा वहां पर भेजा जाता है और यहां पर विशेष रूप से हेमेटाइट भी कहीं कहीं मिलते हैं और कहीं कहीं मैग्नेटाइट भी मिलते हैं दोनों तरह के हालांकि बताया उत्तम किस्म के माने जाते दूसरे नंबर पर विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का नाम आता है छत्तीसगढ़ देश का लगभग 20 प्रतिशत लोह का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से दो खाने पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं में से एक खान है बैलाडीला खान सुना होगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला खान भारत में उत्तम किस्म के लोह अयस के उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है जहां पर विशेष रूप से हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क पाया जाता है और यहां प्राप्त लोह अयस्क का निर्यात विशेष रूप से जापान को किया जाता है इस खान के खूबसूरती यह भी है कि यह भारत की एकमात्र ऐसी खान है जो पूरी तरह से मैकेनाइज है यानी कि मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में यहाँ पर खदान का कार्य किया जाता है यहां से विशाखापट्टनम जो हमारा स्टील प्लांट है वहां पर भी भेजा जाता है और यहां से निर्यात भी किया जाता है दोनों बातें ध्यान रखना तो इस रूप में यह एक महत्वपूर्ण खान मानी जाती है इसी के साथ साथ जब इसके उत्तरी भाग में आप जाओ यानी कि रायपुर के पास में आप लोगों ने जरूर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा भिलाई दुर्ग तो दुर्ग जिले में ढल्ली राज जो लोहे की खान है वह भी भारत की एक महत्वपूर्ण खान मानी जाती है ये बात ध्यान रखना आप लोग और एक खास बात देखोगे इस खान से ही जो प्राप्त होने वाला लोह अयस्क है उसकी आपूर्ति विशेष रूप से भिलाई स्टील प्लांट को की जाती है इसके अलावा बिलासपुर सरगुजा रायगढ़ इन जिलों में भी लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है तो ये तो हो गया छत्तीसगढ़ देश का जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है उड़ीसा उसके बगल में भाई उड़ीसा भी देश का एक महत्वपूर्ण लोह अयस्क उत्पादक राज्य है इस रूप में कि यह लगभग 19 प्रतिशत लोह अयस्क के उत्पादन में भागीदारी करता है और सबसे खास बात यह है कि यहां पर भी उत्तम किस्म के लोह अयस्क बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं यहां की प्रमुख खाने विशेष रूप से सुलेपात पहाड़ी बादाम पहाड़ी बोनाई किरुबुरु मेघा बुरु बहुत सारी यहां पर खाने हैं जिनसे उत्तम किस्म का लोह अयस्क प्राप्त होता है इसीलिए एक बड़ी खास बात यहां पर भी देखोगे कि उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी भाग में एक देश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्टील प्लांट केला स्थित है सुना होगा आप लोगों ने नाम यह भी पेपर में सब पूछता है खान भी याद रखिएगा नोट कर लो किरुबुरु मेघाहत बिरु बादाम पहाड़ी सुलेपात पहाड़ी ये सभी महत्वपूर्ण खाने यहां की देखी जाती इस क्रम में चौथा महत्वपूर्ण राज्य है गोवा गोवा लगभग 16 प्रतिशत लोह अयस का अकेले उत्पादन करता है एक बड़ी खास बात है कि गोवा में लोह अयस का उत्पादन काफी बाद में हुआ है काफी लेट यहां पर शुरू हुआ परंतु मोमेंटम बहुत तेज पकड़ा आज सोचो इतने बाद में सत्तर अस्सी के दशक के से विशेष रूप से खुदाई का कार्य शुरू हुआ उसके बावजूद भी आज देश का चौथा महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य यहाँ की खास बात यह है कि यहां से जो प्राप्त होने वाला लो अयस्क है उसका बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है इसके बाद जब आगे चलते हैं तो देश का पांचवा महत्वपूर्ण राज्य है वो है झारखंड और यह भी देश का एक बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य इस राज्य में सबसे खास बात यह है कि बहुत ही उत्तम किस्म के लोह अयस्क मिलते हैं इस संदर्भ में बात की जाए तो विशेष रूप से सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट धनबाद संथाल हजारीबाग ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर इसका खदान का कार्य होता है आप लोग एक खास बात देखोगे इतनी बड़ी मात्रा में लोहस का उत्पादन होने का ही परिणाम है कि आप देखो इस राज्य में देश के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े लोह इस्पात के कारखाने स्थित हैं जिसमें आप लोगों को जरूर पता होगा जमशेदपुर और दूसरा बोकारो स्टील प्लांट तो यह राज्य भी इस रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अलावा यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं मिल जाती हैं कहीं कहीं तमिलनाडु में भी इसकी खनन कार्य हो जाती है जो तीर्थमलाई जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कन्नूल डिस्ट्रिक्ट है और कई जो जिले कुडप्पा हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके लोग ऐसा उपस्थिति पाई जाती है तो इस तरह से देश के कुछ भागों में बड़ी मात्रा में का उत्पादन होता है यह आप सभी लोग ध्यान रखिए तो बच्चों अब जरा आगे देखते हैं हम लोग एक और महत्वपूर्ण खनिज और वो है मैंगनीज जैसा कि आप लोग जानते हैं यह भी युक्त खनिज का एक भाग मैंगनीज इस रूप में एक महत्वपूर्ण धातु मानी जा सकती है कि इसका प्रयोग विशेष रूप से लोह इस्पात उद्योग में किया जाता है और मिश धातु बनाने के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होता है एक बड़ी खास बात है कि लगभग एक टन लोह इस्पात में लगभग दस किलोग्राम मैंगनीज मिलाया जाता है और इसके मिलाने से लोह इस्पात की गुणवत्ता बढ़ जाती उससे यह जंगरोधी भी हो जाता है और इसमें अपघर्षण की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं तो यानी कि सिंपल कह सकते हो कि लोह इस्पात की क्वालिटी को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है तो भाई बात एक महत्वपूर्ण धातु कही जा सकती है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सामान्यतः जो लोहा शुरुआती दौर में प्राप्त होता है उसको फिल्टर करने के बाद वो मुलायम होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की धातुओं को मिलाकर उसको और बेहतर बनाया जाता है उसकी कठोरता आदि बढ़ाई जाती है जिस गुणवत्ता का आप चाहते हो तो इस रूप में मैंगनीज लोहे का एक महत्वपूर्ण मिश्रधातु कही जा सकती आप लोग ध्यान रखिए इसके वितरण की यदि बात की जाए तो इसके वितरण में भी बड़ी असमानता हां उससे पहले एक बात आपको और बता दूं बड़ी अच्छी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिम्बाब्वे के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है भाई और हमारे पास एक बड़ा मैंगनीज का सुसंपन्न भंडार है अच्छी बात है ना और अपने यहां बड़ी मात्रा में उत्पादन भी होता है परंतु एक खास बात ये देखी जाती इसका वितरण उसी तरह से है जैसे लो लोस का वितरण इसका मतलब भारत के कुछ राज्यों में ही विशेष रूप से मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है इस क्रम में जब बात होती है तो पहला नाम आता है उड़ीसा का याद रहेगा उड़ीसा में विशेष रूप से देश का लगभग चौतीस प्रतिशत मैग्नीज़ का उत्पादन होता है और वह भी कुछ विशिष्ट जिलों में जैसे आप लोगों ने जरूर सुंदरगढ़ का नाम सुना होगा क्योंझर का नाम सुना होगा कलाहांडी जिले का नाम सुना होगा इन जिलों में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है ये सभी आप लोग ध्यान रखें इसके साथ साथ कुछ और जिले भी आप लोग जैसे बुलांगीर कोरापुट फूलबास ये जिले भी इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी बड़ी मात्रा में विशेष रूप से मैंगनीज का उत्पादन होता है और यह इसके पूर्वी भाग में विशेष रूप से देखा जाता है आप लोगों ने भंडारा जिले का नाम जरूर सुना होगा मैंगनीज के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध इसके साथ साथ रत्नागिरी जिले में भी मैंगनीज का काफी उत्पादन किया जाता है इसके साथ जब आगे बढ़ते हैं तो देश का तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश लगभग इक्कीस प्रतिशत उत्पादन करके देश का तीसरा महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यह सबसे खास बात है कि इसका उत्पादन कुछ जिले में यहां पर भी सीमित है जरूर आप लोगों ने छिंदवाड़ा का नाम सुना होगा छिंदवाड़ा जिले में मैंगनीज का काफी उत्पादन होता है उसके साथ आप लोगों ने जरूर बालाघाट का भी नाम सुना होगा यानी कि छिंदवाड़ा बालाघाट ये दोनों ऐसे जिले हैं जो विशेष रूप से मैंगनीज के उत्पादन के लिए भारत में और एमपी राज्य में यानी मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है इसके साथ चौथे नंबर पर देश का जो महत्वपूर्ण मैंगनीज उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक एक में इसमें आप लोगों को खास बात बता दूं, आप लोग देख भी रहे कुछ ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे कि जहां जहां लोहा अक्सर पाया जाता है वहीं आसपास मैंगनीज की खाने भी पाई जाती है देखा जाता है खास तो कर्नाटक में भी लोहा लोहस्क बड़ी मात्रा में मिलता है तो भी बात है यहां पर भी मैंगनीज की संभावना चौदह पंद्रह के आसपास मैंगनीज का उत्पादन होता है और विशेष रूप से धारवाड़ बिल्लारी शिमोगा इन जिलों में विशेष रूप से मैंगनीज का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तो इस तरह से भारत का यह एक महत्वपूर्ण राज्य कहा जा सकता इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी कह सकते हो देश का एक महत्वपूर्ण मैंगनीज उत्पादक राज्य है जहां पर देश का का लगभग मैंगनीज उत्पादन होता है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट और कई जो जिले आप लोग सुने होंगे कुड़प्पा वगैरह वहां पर मैंगनीज का उत्पादन होता है तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई मैंगनीज से संबंधित अब जरा बात बच्चों एक तीसरी धातु की भी कर लेते हैं इसी क्रम में हालांकि भारत में उसकी उपस्थिति बहुत कम पाई जाती है और वो है क्रोमाइट क्रोमाइट इस रूप में एक महत्वपूर्ण धातु कही जा सकती है कि यह जंगरोधी धातु के रूप में मानी जाती है और विशेष रूप से उत्तम किस्म के लोह इस्पात बनाने में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है क्रोमाइट की जब बात की जाए तो क्रोमाइट विशेष रूप से झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है यह आप लोग ध्यान रखिएगा बाकी देश के अधिकांश भागों में इसकी उपस्थिति बहुत ही कम है तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है ठीक है इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में देखते हैं अलोह धात्विक खनिज कौन कौन से जब अलोह धात्विक खनिज की बात की जाती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण धातु है बॉक्साइट बॉक्साइट मैं समझता हूं सबने सुना होगा बॉक्साइट का मतलब कई बार सिंपल वे में लोग अनुमान लगाते हैं एल्युमिनियम या एल्युमिनियम मतलब बॉक्साइट ऐसा नहीं एल्यूमिनियम एक धातु है तो बॉक्साइट उसका प्रमुख अयस्क है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत में बॉक्साइट का अत्यधिक भंडार पाया जाता है और एल्यूमिनियम की दृष्टि से यानी कि उसके उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत इस मामले में आत्मनिर्भर है भाई ये ध्यान रखना यानी कि भारत में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है और उसे परिष्कृत करके बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम बनाई जाती बॉक्साइड के वितरण की जब बात की जाए तो बॉक्साइट भारत में समान रूप से नहीं पाया जाता इसमें भी बड़ा भाई डिफ्रेंसिएशन है अंतर है इस क्रम में जब सबसे पहले बात आती है तो हम लोग देखते उड़ीसा का नाम सबसे ऊपर आता है उड़ीसा में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है और यह देश का लगभग अकेले बयालीस प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है ध्यान रखना और विशेष रूप से कोरापुट बुलांगीर कालाहांडी या कालाहांडी भी बोलते हैं फिर सुंदरगढ़ संभलपुर इन जिलों में विशेष रूप से यहां पर बॉक्साइट पाई जाती फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बॉक्साइट की यदि बात की जाए तो उसमें महत्वपूर्ण राज्य उभरता है गुजरात गुजरात अकेले लगभग 17.5 परसेंट बॉक्साइट का उत्पादन करता है विशेष रूप से सांबरकंठा का नाम सुना होगा आप लोगों ने सांबरकंठा कैरा जामनगर कच्छ सूरत ये इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं आप लोग ध्यान रखिएगा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की बात की जाए तब आता है झारखंड जो अकेले लगभग 14 परसेंट का उत्पादन करके तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य ध्यान रखिएगा और इस रूप में इसकी गिनती काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है विशेष रूप से रांची के आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट का यहां पर विशेष उत्पादन होता है इसके साथ चौथे नंबर पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भी बॉक्साइट का एक बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है विशेष रूप से इसके उत्तरी भाग में जैसे बिलासपुर रायगढ़ के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है और यह लगभग देश के कुल बॉक्साइट के उत्पादन में लगभग छह प्रतिशत की भागीदारी करता है तो इस तरह से यह भी एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है इसी क्रम में आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कोरबा का जरूर सुना होगा जहां पर भारत के एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी हुआ करती थी बालको एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हालांकि अब वह भारत सरकार के अंतर्गत नहीं रही तो इसको आप लोग ध्यान रखना पर पेपर के लिए कोरबा आप बहुत महत्वपूर्ण है कोरबा कोयला तो पाया ही जाता है वहां पर एल्यूमिनियम का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है वर्तमान समय में एल्यूमिनियम का उत्पादन देश में तेजी से बढ़ने लगा है क्योंकि एल्यूमिनियम की मार्केट तेजी से बढ़ रही है एल्यूमिनियम का उपयोग देखोगे बहुत सारी जगहों पर होता है विशेष रूप से हवाई जहाज निर्माण में तो अलुमिनियम विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं को बनाने में इसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आदि बनाने में कई बार औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है तो इस तरह से इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखें अब बच्चों इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जरा अलोह धात्विक खनिज का एक दूसरा पार्ट देखते हैं और वह तांबा तांबा आप लोग जानते हो एक अत्यंत महत्वपूर्ण धात्विक खनिज इस रूप में है कि इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में होता है विशेष रूप से तार बनाने में यह उष्मा का एक बहुत ही अच्छा चालक होता है और देखोगे जो तार बनते हैं विशेष रूप से महंगे तार वो कॉपर के ही बनते हैं भारत में भी कॉपर की बात की जाए तो भारत में कॉपर बहुत अधिक नहीं पाया जाता परंतु कुछ कुछ जगहों पर कॉपर की खाने मिलती हैं तो इसीलिए आपके पेपर के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं भारत सरकार ने विशेष रूप से कॉपर के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की भारत में इसकी बात की जाए तो विशेष रूप से राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है यही साथ में ही राजस्थान में ही अलवर जिले में भी कई जगहों पर कॉपर का उत्पादन किया जाता है इसके साथ साथ कोपर कुछ झारखंड में विशेष रूप से संथाल परगना का नाम सुना होगा हजारीबाग का नाम सुना होगा पलामू इन जिलों में भी विशेष रूप से कॉपर का उत्पादन किया जाता है इसके साथ साथ कोपर छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भी खनन किया जाता है और मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में भी कॉपर की उपस्थिति पाई जाती है तो भाई ये सब कोपर की कुछ बातें हुई इन सभी को आप लोग ध्यान रखना आप लोग अपने पेपर में देखना खेतड़ी खान को विशेष रूप से पूछा गया इसको आप लोग ध्यान रखना और यह एक बड़ी खास बात है कि भारत की एक बड़ी ही प्राचीन अत्यंत पुरानी खान कोपर की मानी जाती है बाकी कहीं कहीं और जो मिलते मैंने बताया ही तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से धात्विक खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है एक बार फिर मैं कहूंगा इन संबंधित खानों को आप लोग मैप पर विशेष रूप से प्लॉट करना कट एंड ड्रॉ आता है आप खाली मैप की आउटलाइन जो आती है कि आप लोग देखना उसको लेके मैप जरा भरो तो आपको याद रहेगा ठीक है थीके? क्योंकि प्रश्न कई बार बड़े टिकलिस होते हैं मैचिंग कराते युगम के रूप में पूछे जाते हैं। तो यदि आपने मैपिंग नहीं की होगी तो कन्फ्यूजन के चांस होते ठीक है तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बाणी को एक बार यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद फिर मिलते ओके बाय थैंक यू बच्चों आज के इस लेक्चर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं नंबर एक धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु होता है लौह अयस्क मैंगनीज तथा क्रोमाइट आदि धात्विक खनिज के अच्छे उदाहरण हैं भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पॉइंट नंबर टू भारत का लगभग एक चौथाई लोहा कर्नाटक राज्य पैदा करता है यहाँ बिल्लारी हॉस्पेट संदूर बाबा बुदान आदि प्रमुख खाने हैं पॉइंट नंबर तीन भारत विश्व में जिम्बावे के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंगनीज खनिज का उत्पादक देश है यहाँ विश्व का लगभग पाँच प्रतिशत मैगनीज भंडार उपलब्ध है उड़ीसा में मैंगनीज के प्रमुख भंडार हैं इसके बाद क्रमशः कर्नाटक मध्य प्रदेश गोवा और महाराष्ट्र का स्थान है पॉइंट नंबर चार बॉक्साइड का उपयोग एलुमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है ये भारत के प्रायद्वीप के ऊंचे पठारों पर आवरण के रूप में मिलते हैं बॉक्साइड का लगभग देश का आधा भंडार उड़ीसा में मिलता है पाई नंबर पांच भारत में तांबे का भाव है भारत में तांबे का कुल भंडार एक करोड़ टन है इसमें धातु का अंश लगभग एक दशमलव एक चार करोड़ टन है बच्चों अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें